गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती हैं, एक मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस, उसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन के मैट्रिक्स में जब ए आई जे हम एक एलिमेंट लिखते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि ये एक एलिमेंट होता है जो आई रो जे कॉलम में है। जब एम बाई एन ऑर्डर लिखते हैं तो इट मीन m नंबर ऑफ रोज है उसको n नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर इसके बाद मैंने टाइप्स कराई आपको, डिफरेंट टाइप्स जो मैट्रिसेस की हैं वो आपको कराई, और लास्ट डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये डेफिनेशन करवाकर मैंने आपका जो पिछला लेक्चर था वो फिनिश किया था। आज हम इन्हीं डेफिनेशंस पर, जो 3-4-5 डेफिनेशंस हमने पढ़ी उन पर बेस्ड एक्सरसाइज है, 3.1 पेज नंबर 64 पर एनसीईआरटी बुक है। तो इसके क्वेश्चंस जस्ट डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर वन है T1। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर है? ऑर्डर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है? 1, 2, 3 कॉलम 1, 2, 3, 4। दिस इज ऑर्डर। सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डर एन बाई एन हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम एन होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 4 इज इक्वल, गिन ले आप 12 एलिमेंट्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पूछे हुए हैं। सबसे पहले A13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में आपने इसी में एलिमेंट ढूंढने, थर्ड कॉलम 1, 2, 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहली रो में इस तरह की, फिर A21 दूसरी रो, पहली दूसरी, दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट 13। बाकी आप लिख ले, दो और पूछे थी आपको भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 24। So possible order means those pairs of natural numbers whose product is 24. Possible orders are, so 1/24, 2/12, 3/8, 4/6 and 6/4, 8/3, 12/2, 24। ये पॉसिबल ऑर्डर इसमें है। क्यों? अगर ऑर्डर m बाई n होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m n होते हैं। तो मींस आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना होता है जिनका प्रोडक्ट m n है। तो 24 जिनका प्रोडक्ट आए, ऐसे नंबर नेचुरल नंबर ढूंढने, तो वो ये सारे हैं, वो पेयर्स मैंने ऑर्डर की शेप में m बाई n फॉर्म में लिख दिए। इसी में पूछ रहा है कि व्हाट इफ
इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके और कोई फैक्टर्स होंगे। इफ द मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/13, 13/1, सिर्फ ये दो ऑर्डर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं आपने, पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो उसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आपको आते हैं। सो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, सो गिवन ए ए आई जे इज अ 2x2 मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज ए इज A11, A12, A21, A2। तो आपको ये 4 एलिमेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है गिवन ए आई जे इज आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर A11 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, 2 square by 2, that is 2. A12, 1 plus 2 whole square by 2, that is 3 square by 2, that is 9 by 2. A21, 2 plus 1 whole square by 2, that is 3 square by 2, that is 9 by 2. A22, 2 plus 2 whole square by 2, 4 square by 2, 16 by 2, that is 8. तो ये चारों एलिमेंट जो इसके थे वो फाइंड हो गए। Therefore A is equal to 2, 9 by 2, 9 by 2, 8 is the required matrix. So, इस question number 4 में दो part हो रहे हैं, आप खुद करेंगे, आई जे की इसी तरह से एलिमेंट करेंगे, सेम matrix। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x4 मैट्रिक्स है, तो 3x4 मींस A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम होंगे और रो 3 होंगी, तो उसमें 12 एलिमेंट्स बनेंगे, जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स उसमें 12 एलिमेंट्स आपको इसी तरह के फार्मूले दिए हैं, आई और जे के बीच की रिलेशनशिप दी हुई है, उससे आप फाइंड करें, प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6
सो बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2 so 5 plus z is equal to 5 this implies z equal to 5 minus 5 this implies z equal to 0 and x y is equal to 8 this implies y is equal to 8 upon x using second in first we get x plus 8 upon x is equal to 6. This implies x squared plus 8 by x is equal to 6. This implies x squared plus 8 is equal to 6x. This implies x squared minus 6x plus 8 equal to 0. Quadratic equation ban gayi. So x squared minus 4x minus 2. Maine factorize kiya isko by subtracting the middle term. x common x minus 4 minus 2 common x minus 4 equal to 0 this implies x minus 4 x minus 2 equal to 0 this implies x equal to 2 When x equal to 2 from second, y is equal to 8 by 2, that is 4. Hence, x equal to 2, y equal to 4, z equal to 3. When x equal to 4 from second, y is equal to 8 by 4 is equal to 2. Hence, x equal to 4, y is equal to 2, z equal to 2. So, these are the two possible answers. Check it. तो एक बार इसमें और है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम है आपको इक्वेशंस बनेगी वेरिएबल्स से आप लोगों को सॉल्व तीन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि a इक्वल टू a i j m by n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं इफ एम इज इक्वल टू तो ये आपकी थर्ड चॉइस है सी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में है दो मैट्रिक्स हैं This and this are equal order को same है तो matrix equal होगी जब order same हो और corresponding elements same हो तो order तो same है अब elements भी if and only if 3x plus 7 equal to 0 y minus 2 equal to 5 y plus 1 is equal to 8 and 2 minus 3x equal to 4 That is, if x is equal to minus 7 by 3, y is equal to 5 plus 7, y is equal to 7, and x equal to 2 minus 4 by 3. That is, if x is equal to minus 7 by 3, x equal to minus 2 by 3, y is equal to 7.
y की तो एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेकिन यहां पर x की दो वैल्यू, इनको इक्वल करना है तो x की अलग वैल्यू, इनको इक्वल करना है तो x की अलग वैल्यू लेना पड़ेगी, ये पॉसिबल नहीं है. सो विच इज नॉट पॉसिबल. एक मैट्रिक्स में आप एक वैल्यू की दो अलग अलग वैल्यू, एक एलिमेंट के अलग वैल्यू और दूसरे एलिमेंट के लिए, मीन्स आपको एक्स की वैल्यू ए वन वन के लिए अलग लेनी है और ए टू टू के लिए अलग लेनी है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल. लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें है. The number of all possible matrices are ordered 3 by 3. So, order 3 by 3 है. It means number of elements 9. आपको 9 elements with each entry 0 or 1. या 0 choose करना है या 1 choose करना है. तो हर एक element choose करने के लिए आपके पास कितनी options है? 2. For each option, only for each entry, number of ways of choosing one element is equal to 0 or 1. Therefore, fundamental principle of counting, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है. So, number of ways of choosing 9 elements is equal to 2 raised to power. So, this is I think 500, 2 into 2 into 2 into 2. 11th में fundamental principle of counting, permutation and combination chapter में आपने पढ़ा होगा. तो उसमें ये था कि अगर एक काम करने के m ways हैं, दूसरा करने के n ways हैं, तीसरा करने के p ways, total ways m into n, तो यहाँ 2, 2, 2, 9 times, 2 raised to 9, so 512. तो आपने 9 element choose कर रहे थे 3 by 3 matrix के लिए, तो कितने ways बने? 512. This is your answer. और इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, वो डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की, ऑर्डर की, उन सब की जो डेफिनेशंस उन पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारी ये फिनिश हो गई. अब हमने ऑपरेशंस पढ़ने हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है, जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. आप ये एक्सरसाइज में कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, उनकी प्रैक्टिस घर में करें. अब मैं आपको ऑपरेशंस, जैसे सेट्स पे अपने ऑपरेशंस होते थे, नंबर्स पे अपने ऑपरेशंस होते थे, सिमिलरली मैट्रिक्स के भी अपने ऑपरेशंस होंगे. तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, सबसे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, या सम ऑफ टू मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मैट्रिक्स को ऐड या सबट्रैक्ट, इसके बाद मैंने सबट्रैक्शन पढ़ी, हम तभी कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स कंपेरेबल हो. कंपेरेबल मीन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. स्क्वायर हो, ऐसा नहीं मैंने कहा, रेक्टेंगल हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, वो भी मैंने नहीं कहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वो भी नहीं कहा. कंपेरेबल होनी चाहिए, मीन सेम ऑर्डर की होनी चाहिए. तो टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन, ये दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो तब इनका जो एडिशन है ए प्लस बी करके हम उसको लिखते हैं. सो ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन, ये दोबारा एक एम बाई एन मैट्रिक्स ही बनती है, इसका ऑर्डर वही रहता है. करते क्या है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं. मींस आपने ए वन वन के साथ बी वन वन करना है, A12 के साथ B12 corresponding element add कर देते हैं. मैं example समझा देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is equal to 2, 3, 0, 5, 9, 1. So A plus B means 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 0, 4 plus 5, 5 plus 9, 6 plus 1, 3, 5, 3, 9, 14, 7. This is your answer. बिल्कुल सिंपल एडिशन. तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सो टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू एआई जे एंड बी इक्वल टू बीआई जे ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर सम ए प्लस बी इज अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर डिफाइंड बाय ए प्लस बी इक्वल टू दिस. मींस
they are obtained, that matrix is obtained by adding the corresponding elements. उसके बाद आती है सब्ट्रैक्शन की बारी, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम आपने प्लस की जगह माइनस कर देना है, यहां माइनस कर देना है. सो यहां जहां जहां प्लस किया था वहां वहां माइनस. उसके बाद थर्ड ऑपरेशन, आप एक मैट्रिक्स को एक स्कैलर, स्कैलर मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जब भी मैं स्कैलर कहूंगा, स्कैलर का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर. सो एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन है, तो लैम्डा अगर कोई स्कैलर है तो इनका प्रोडक्ट मीन्स लैम्डा ए आई जे एन बाई एन. तो आपने उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई. Means, let A is equal to 1, 2, 5, 6, then 3A is equal to 3 into 1, 2, 5, 6, means 3 into 1, 3 into 2, 3 into 5, each element of the matrix has to be multiplied. और matrix square हो ऐसा जरूर नहीं, किसी भी order की matrix हो सकती, ये होगी scalar multiplication. तो किसी matrix A को आप minus 1 से multiply कर दें, minus A, इसको कहते हैं negative alpha. इतनी टाइप्स काफी है क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा. कल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जिस पे मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर और डिटरमिनेंट का पूरा चैप्टर बेस्ड होगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे.